नमस्कार फ्रेंड्स, नेचर ट्रेवल एक्सपीरियंस में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आप सबका फ्रेंड संजय बनर्जी। इस समय हम शिवगादी से 10 किलोमीटर दूर एक जगह पर खड़ा हूँ। इस समय हम जा रहे हैं बारहरा की प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर। शिवगादी से विंध्यवासिनी मंदिर की लगभग दूरी 23.6 किलोमीटर। इस जगह का नाम पता नहीं है और ये जो नदी बह रही है इसको भी नाम पता नहीं है, लेकिन जगह बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पूरा हरियाली है। मन इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता, जगह बहुत ही खूबसूरत है। आज मेरा राजमहल टूर का दूसरा दिन है। आइए मेरे साथ देखते हैं कि विंध्यवासिनी मंदिर के अंदर क्या है। मेरी दाहिनी ओर की सड़क शिवगादी को जाता है और बाएं ओर की सड़क बारहरवा को जाता है। अब मैं विंध्यवासिनी मंदिर की ओर जाने वाले मेन गेट के सामने खड़ा हूँ। विंध्यवासिनी मंदिर को विंध्यधाम के नाम से भी जाना जाता है। विंध्यवासिनी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। राजमहल पहाड़ों से घिरा हुआ है। मेन गेट से मंदिर के तक जाने के लिए लगभग 150 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। बहुत चौड़ा सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल नहीं है। मंदिर से प्रवेश करने से पहले दो शेरों की मूर्ति सभी का स्वागत करता है। कोई लोगों के अनुसार ये एक शक्तिपीठ है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद पहला भाग एक सप्तरथ है, जहां सूर्य देवता विराजमान है। सूर्य देवता के दर्शन के बाद आप सबको बाबा भोलेनाथ के दर्शन होंगे, जो श्री श्री पंचायतनी के रूप में हैं। आप धीरे धीरे मुख्य गर्भगृह के ओर चले। गर्भगृह में विंध्यवासिनी के रूप में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के तीन शिला पत्थर है।
श्री श्री पंचायतनी के बाद तीन और छोटे मंदिर है। यहाँ श्री श्री वासुदेव निवास कर रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण विराजमान है। आगे श्री श्री रानी सती विराजमान है। स्वामी हरिहरानंद गिरी या पहाड़ी बाबा धाम भी है। पहाड़ी बाबा के कार्य और दिशा के कारण ही बिंदु धाम बार हरवा ने फिर से अपनी महान समृद्धि और विरासत प्राप्त की है। बिंदुवासिनी मंदिर त्रिदेवी का मंदिर देवी सती के कहानी से संबंधित है। ये बजरंगबली की मूर्ति की ओर जाने वाली सड़क है। सती के तीन पवित्र रक्त बूंदों की शक्तिपीठ के रूप में रखा गया है, इसलिए लोग सती माँ बिंदुवासिनी और बिंदु धाम को बिंदु के रूप में कहते हैं। मंदिर पर की गई कारीगरी बेहद खूबसूरत है। बिंदु को यहाँ बिंदु माना जाता है, जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है और अनेक एकता बन जाते हैं। इसे अपने अव्यक्त अवस्था में ब्रह्मांड के पवित्र प्रतीक के रूप में भी वर्णित किया गया है। यहाँ महिषासुर मर्दिनी या माँ दुर्गा की मूर्ति है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मंदिर की चूड़ा बहुत ही सुंदर है और चूड़ा पर सुंदर कारीगरी भी है।
यहाँ राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति है, लेकिन प्रवेश द्वार बंद है। आप जा रहा है 35 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति देखने के लिए। एक मंदिर दिखाई देता है जो नवनिर्मित हो रहा है। मैं नहीं कह सकता कि ये कौन सा मंदिर है, लेकिन सबसे अधिक संभावना राम का मंदिर है। दूर से बजरंगबली का स्टैचू दिखाई दे रहा है। बजरंगबली की स्टैचू के साथ सेल्फी लेने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। बजरंगबली की स्टैचू के सामने बजरंगबली का विशाल फुटप्रिंट है। बजरंगबली स्टैचू के पास से आगे का नजर शानदार है। बरहड़वा टाउन ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है। मनमोहक दृश्य चारियों और राजमहल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैंतीस फीट बजरंगबली स्टैचू के दर्शन के बाद फिर विंध्यवासिनी मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ मैं फिर से पहाड़ की चट्टान से नीचे जाऊंगा। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन दूर से।
मैं मुख्य मंदिर से नीचे जाने वाली सड़क लूंगा। अब गुड बाय कहने का समय आ गया है। यहाँ से मैं महाराजपुर मोती झरना जाऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं संजय। हम भारतवर्ष की अलग अलग जगह घूम रहा हूँ और इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आप दिल खुशी करके मेरे चैनल को देखते रहिए और जाते जाते हर बार की तरह एक ही बात बोलता हूँ, आपका दिल जो जाती है आप वही कीजिए, थोड़ा सोच समझ।